अब हमारे आचार्य भी रुड़गा और मैं भी रुड़गा और हमारा टाबर भी रुड़गा। झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरुद्दीन खान की अध्यक्षता में झुंझुनू जिला मुख्यालय पर हुई जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में लोहारगल के वार्षिक मेले और मालखेत बाबा की 24 कोसीय परिक्रमा पर लगातार दूसरे साल भी कोरोना के चलते रोक लगा दी गई है। परिक्रमा पर रोक लगाने के निर्णय के बाद लोहारगल में श्रद्धालुओं के जाने पर भी रोक लगा दी गई है। 24 कोसीय परिक्रमा के रोक के निर्णय के बाद 27 अगस्त को पुलिस प्रशासन ने आने वाले श्रद्धालुओं को लोहारगल नहीं जाने दिया। गोलियाना से निकलते ही गणेश मंदिर के पास ही लोहारगल आने वाले श्रद्धालुओं को रोक कर वापस लौटा दिया। अचानक लोहारगल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाने से दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। दूर दराज क्षेत्र से पहुंचे लोगों को गणेश मंदिर से ही वापस लौटना पड़ा। इधर लोहारगल में प्रवेश नहीं करने देने पर दिन भर श्रद्धालुओं और पुलिसकर्मियों के बीच बहस होती रही। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की ओर से रोक लगाने के बाद स्थानीय लोगों को भी आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मालखेत बाबा की 24 कोसीय परिक्रमा गोगानवमी से शुरू होकर अमावस्या पर संपन्न होती है। अमावस्या के दिन लोहारगल के वार्षिक मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रदेश सहित अन्य राज्यों से पहुंचते हैं। जिसे देखते हुए प्रशासन की ओर से 7 सितंबर अमावस्या तक श्रद्धालुओं के लोहारगल में प्रवेश पर रोक लगाई है। लोहारगल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक के दौरान अस्थियां विसर्जन करने वाले एक दो लोगों को लोहारगल जाने की छूट दी गई, लेकिन पहले अस्थियां देखकर ही आगे लोहारगल जाने दिया गया। लोहारगल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पुलिस प्रशासन की ओर से पूर्णतः रोक लगा दी गई, लेकिन इसके बावजूद ग्राम पंचायत की ओर से आने वाले वाहनों से शुल्क वसूला गया। लोहारगल में प्रवेश पर रोक लगाने के बावजूद ग्राम पंचायत की ओर से गोलियाना सती मंदिर के पास आने वाले वाहनों से प्रवेश शुल्क वसूलते रहे, जिसका कोई वाहन चालकों ने विरोध जताते हुए कहा कि जब लोहारगल में प्रवेश पर रोक है तो पंचायत की ओर से किस बात का शुल्क वसूला जा रहा है। मालखेत बाबा की 24 कोसीय परिक्रमा पर दूसरे साल भी रोक लगाने और लोहारगल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के प्रशासन के निर्णय पर लोहारगढ़ के लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। लोगों ने कहा कि यहाँ लोगों का व्यवसाय यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से ही होता है, अगर श्रद्धालु नहीं आएंगे तो उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। कोरोना में पिछले 2 साल से लोहारगल को बंद कर रखा है, जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। अब वर्तमान समय में अधिकतर लोग कोरोना का वैक्सीन लगा चुके हैं, साथ ही प्रदेश में अब कोरोना के मामले भी बहुत कम हैं। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से लोहारगल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाकर यहाँ के लोगों की रोजी रोटी पर लात मारने का काम किया है। ये बताओ, लोग सबके पेट पर लात मार रखी है गवर्नमेंट तो। मान लो यात्री आवाजना है, हमारे 12 महीने की कोई वह जो गाड़ ये तो 11 महीने तो बैठे बैठे खाई वहाँ घर को खावा। 2 साल होगा सर, 2 साल का मान इसने बर्बाद कर दिया। यानी कोई 2 पैसा कमाता होगा, 2 पैसा ही ध्यान करती दुकानदार देखो और चाहे मंदराला देखो कोई भी देखो, उसने के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल करा कि इसका पेट बुला मारा कि टाइम पर रखमा पर ही मेरा पर हलवा कर दुकानदार की आस ही और से लोन ले ले वो आचार ले रहा है। अब हमारो आचार भी रुड़गा और मैं भी रुड़गा और हमारा टाबर भी रुड़गा। और प्रशासन से अपील है कि मेला ने बंद न करो जाए, थोड़ा थोड़ा खोलो जाए, जिससे हमारा भी गुजारा चलता रहे और हमारा टावरों का भी चलता रहे। व्यापार पे आर्थिक स्थिति में नुकसान है काफ़ी। वैसे तो पहाड़ों की परिक्रमा है, प्रशासन को करवाना चाहिए। 24 कोस में है, कितनी अच्छी अच्छी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। तो हमारे जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हम उनको काफ़ी असर पड़ेगा। ज़्यादा घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और पिछली बार भी बंद था तो मतलब खूब कारोबार चौपट हुआ था। और इस बार भी मेले के अंदर यात्री आते हैं, यात्री वगैरह वहाँ से परेशान होकर वापस चले जाते हैं। अब 2 रुपया करता, अब 2 रुपया का वास हो गया। मैं तो यो मेला की सीजन ही मैं कमाता क्यों, इतना 2 रुपया अब थाला बैठे हैं एकदम से। पहले कोरोना का कारण से बैठे, अब लॉकडाउन उजू लगा दिया, इसका कारण बैठे मेला का आस पर बैठे कि भाई मेला में 2 रुपया कर लेगा, उजू लगा दी प्रशासन को।